अब हम पाकिस्तान आर्मी और पुलिस के बीच हुई मार कुटाई का विश्लेषण करेंगे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने पंजाब पुलिस को लहूलुहान कर दिया। आर्मी वालों ने पुलिस वालों को थाने में गिरा गिरा कर इतना मारा कि पुलिस वालों की आत्मा तक कांप गई। अपराधियों के लिए बनाए हवालात में ही थानेदार की ही आर्मी वालों ने खाल उतार दी। पाकिस्तान आर्मी ने यह हमला पंजाब प्रांत के मदरीसा थाने पर किया था, जो कि बहावलपुर इलाके में आता है। आर्मी के हमले से थाने में भगदड़ मच गई। कई पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए भागते देखे गए। पुलिस वालों को ऐसा लगा कि आर्मी उनके सामने यमराज बनकर आई है और वो पाकिस्तान के नागरिक नहीं है बल्कि कोई दुश्मन है। कई पुलिस वालों को आर्मी के जवानों ने पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। सरेआम कई पुलिस वालों को आर्मी ने जमीन पर घसीटा। कई पुलिस वाले तो अपनी जान की भीख मांगते हुए नजर आए। पाकिस्तान में आर्मी और पुलिस के बीच हुई मारपीट की खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, लेकिन सोशल मीडिया में इस घटना के कई वीडियोस वायरल हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने अपना लिखित बयान जारी किया, जिसमें दावा किया कि आर्मी और पुलिस जवानों के बीच मारपीट को जितना बड़ा बताया जा रहा है, मामला उतना बड़ा है नहीं, बल्कि मामला तो मामूली से झगड़े का है जिस पर समझौता करा दिया गया है। इसी के साथ आर्मी और पुलिस दोनों तरफ के कुछ जवानों को इकट्ठा करके देश हित में नारेबाजी भी करा दी गई। पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस ने इसे जितना छोटा मामला बताया है वैसा कुछ भी नहीं है। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। बस इतना ही तो मारा कि लहूलुहान हो गए, बस इतना ही तो पीटा कि गिड़गिड़ा रहे हैं, बस इतने ही तो जख्म दिए कि रोते हुए बता रहे हैं। पंजाब पुलिस भी यही कह रही है कि मामला बहुत छोटा है, लेकिन मदरसा थाने के पुलिस वालों से सुनिए उन्हें मारा पीटा कैसे गए, कैसे आर्मी वालों ने उनकी खाल उतार। पाकिस्तान में पुलिस और आर्मी के बीच खूनी झड़प का ये मामला 10 अप्रैल की सुबह का है, जब आर्मी के 40 से 50 जवानों ने मदरसा थाने को जंग का मैदान समझ लिया, तभी तो अपने ही देश के पुलिस वालों को बुरी तरह पीट डाला। आर्मी जवान जिसे घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं वो पंजाब पुलिस में ASI है, लेकिन आर्मी वालों ने इसे जिंदगी की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आरोप है कि आर्मी वालों ने लाठी, राइफल और दूसरे हथियारों से हमला किया, जिनके सामने मदरसा थाने के पुलिस वाले बेबस हो गए। थाने के जिस हवालात में मुलजिम बंद थे उसी में पाकिस्तान की आर्मी ने थानेदार को बंद करके जमकर रगड़ दिया। पाकिस्तान में आर्मी सुप्रीम पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि देश की इतनी बड़ी खबर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। आर्मी वालों ने पुलिस के कई जवानों को अधमरा कर दिया, लेकिन पंजाब पुलिस के अफसर आर्मी के हमले को मामूली घटना बता रहे हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के जवान अंदर से दुखी हैं। कई पुलिस वालों ने नौकरी ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस वीडियो में एक शख्स पंजाब पुलिस की अपनी वर्दी में आग लगा रहा है, क्योंकि आर्मी के थाने पर हमले से यह आहत हुआ है। ये जानता है कि आर्मी के उन जवानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने इन पर थाने में घुसकर हमला किया, क्योंकि महकमे ने तो थाने के SHO अब्बास रिजवान समेत 4 पुलिस कर्मियों को ही सस्पेंड कर दिया है जिन्होंने आर्मी जवानों के हाथों मार खाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया के सभी देशों के पास अपनी सेना है, लेकिन ये कहा जाए कि पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है तो गलत नहीं होगा। सरकार बनाने और गिराने से लेकर भारत जैसे देशों में आतंकवाद फैलाने तक में पाकिस्तानी सेना की भूमिका रहती है। यही नहीं, देश के अंदर भी पाकिस्तानी सेना अपना दर्जा सबसे ऊपर मानती है और कई बार तो आम लोगों को ही अत्याचार झेलने पड़ते हैं। लेकिन इस बार तो पाकिस्तान की आर्मी ने ही पुलिस वालों को पीट दिया। लेकिन पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पुलिस के बीच खूनी झड़प क्यों हुई, अब इसे समझ लीजिए। पंजाब पुलिस के मुताबिक पुलिस ने बहावलपुर में एक घर पर रेड करके अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा था। जिस घर से अवैध हथियार मिले वो घर एक आर्मी अफसर का था और आरोप उसके दो भाइयों पर लगा था। जब आर्मी अफसर को इसकी जानकारी मिली तो उसने 40-50 आर्मी जवानों को मदरसा थाने भेज दिया।
मदरसा थाने पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने थाने में मौजूद पुलिस वालों के साथ मारपीट शुरू कर दी। दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस वालों को एक घर में बंधक बनाया गया है। ये वही पुलिस वाले हैं जिनके साथ थाने में आर्मी जवानों ने मारपीट की। बंधक बनाए गए पुलिस वालों से घर के लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और 1.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पंजाब प्रांत की पुलिस के तेवर ही बदल गए। ऐसा लगता है कि पुलिस अफसरों ने आर्मी के साथ अंदर खाने कोई सीक्रेट डील कर ली है। तभी तो ना पीड़ित पुलिस वालों की बात सुनी जा रही है, ना ही मीडिया में इस खबर को दिखाया जा रहा है। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान में 2 महीने पहले भले ही नई सरकार चुन ली गई हो, लेकिन आज भी पावर में पाकिस्तान की आर्मी ही है। दरअसल पाकिस्तान की आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, जो खुद को पाकिस्तान में सुपर पावर समझती है। आर्मी आम लोगों पर अत्याचार करती है। बलूचिस्तान के लोग आर्मी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि आर्मी का हर जगह दखल है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में पुलिस पर भी आर्मी जुल्म करने लगी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस आमने सामने आई। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है, लेकिन आर्मी के दबाव में खबरें बाहर नहीं आई। वर्ष 2020 में तो सिंध प्रांत के आईजीपी को ही पाकिस्तान आर्मी ने किडनैप कर लिया था। दरअसल अक्टूबर 2020 में पाकिस्तान में पीडीएम यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले देश भर में इमरान खान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे। मरियम नवाज के पति सफदर अवान प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, जिन्हें उनके होटल रूम से पाकिस्तान आर्मी ने उठा लिया था। सफदर अवान पर आरोप लगा था कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे का अपमान किया है। पाकिस्तान आर्मी चाहती थी कि सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक अहमद सफदर की बैक डेट गिरफ्तारी दिखाएं, लेकिन आईजी मुश्ताक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने आईजी मुश्ताक अहमद को किडनैप किया और उनका फोन भी जब्त कर लिया था। इसकी जानकारी होने पर सिंध पुलिस के सभी जवानों ने एकमत होकर 2 महीने की छुट्टी के लिए सामूहिक अर्जी लगा दी। इनमें 3 एडिशनल आईजी, 25 डीआईजी, 30 एसएसपी, दर्जनों एसपी के साथ डीएसपी और एसएचओ भी शामिल थे। सिंध प्रांत का अगर पूरा पुलिस महकमा 2 महीने की छुट्टी पर जाता तो हालात बिगड़ सकते थे। उस समय आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा थे। बाजवा ने इस मामले में संज्ञान लिया और बाद में मजबूरी में आईजीपी सिंध को छोड़ना पड़ा। तब आर्मी ने इसे कराची इंसिडेंट कहा और आईजीपी के अपहरण की बात को दबा दिया गया। इससे साफ है कि पाकिस्तान में आर्मी खुद को सुप्रीम पावर समझती है। आर्मी से ही निकले किसी अफसर को आईएसआई चीफ की कुर्सी मिलती है। पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने पाकिस्तान के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें आरोप लगाया था कि आईएसआई फैसले बदलने का दबाव बनाती है और ऐसा नहीं करने पर जजों को धमकाया जाता है, उनके परिजनों को परेशान किया जाता है। ऐसे में पहले पुलिस वालों को थाने में घुसकर पीटना और लहूलुहान कर देना, फिर पुलिस वालों का यह कहना कि घटना छोटी मोटी है, कि आपको नहीं लगता कि इसके पीछे पाकिस्तान आर्मी का दबाव ही काम कर रहा है। पंजाब प्रांत की पुलिस माने या ना माने, लेकिन दुनिया जरूर जानती है कि पाकिस्तान में असली पावर तो आर्मी के पास ही है।